बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर के पौत्र राजरत्न अंबेडकर ने भाजपा सरकार पर मनु स्मृति को लागू करने का आरोप लगाया। अंबेडकर ने अनुसूचित जाति जनजाति मूल ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग का प्रथम राज्य स्तरीय सम्मान आमुखीकरण शिविर समारोह के दौरान कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो कुछ देश में चल रहा है वह सही नहीं है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार संविधान के एक आर्टिकल को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कॉमन सिविल कोड हो या राम मंदिर हो, इस मुद्दे को किस तरीके से लागू किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। देश में किस तरह के हालात आज निर्माण हो चुके हैं, किस तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट बाबा साहब के संविधान को लेकर एक एक आर्टिकल ख़त्म कर रही है, फिर से मनुस्मृति को किस तरह से देश में ये लोग लागू करना चाहते हैं। आरएसएस का फुल टाइम और जो महाराष्ट्र का संभाजी भिड़े है वो ये बात कर रहा है कि मनुस्मृति ही हमारी असली राज्य घटना है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी कोट करते हैं कि भिड़े के आदेश पर हम लोग काम करते हैं। तो ये सारा देश में क्या चल रहा है ये सारा आज हम लोग यहाँ पर बताने वाले हैं। 10 दिन का मेरा जो यूनाइटेड नेशन का मोदी जी के सामने ही हम लोगों ने प्रोटेस्ट यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर के सामने किया।